सो गाइस ये है मोटोरोला S40। उस वीडियो में इस फ़ोन के हम कैमरा टेस्ट करने जा रहे हैं क्योंकि रिसेंटली इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आया था एंड्रॉयड 14 का, जो कि यहाँ पर हमने कर लिया। तो उसके बाद जो कैमरे की परफॉर्मेंस कैसी हो गई है इस वीडियो में पता चल जाएगा भाई इस अपडेट के बाद। तो अपडेट आपको चेक करा देता हूँ, अपडेट हमने किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। सो सिस्टम अपडेट पर चलते हैं, चेक फॉर अपडेट। सो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ज़न अप टू डेट दिखा रहा है एंड्रॉयड 14। और वर्ज़न नंबर जो देख सकते हैं यहाँ पर U1TL34.1113 करके, जो कि यहाँ पर अपडेट हमने किया हुआ है। तो ऐसे में इस अपडेट के बाद जो कैमरे की परफॉर्मेंस कैसी हो गई है इस वीडियो में यहाँ पर पता चल जाएगा भाई, कैमरे की क्वालिटी जो कैसी हो गई है। एंड्रॉयड 14 का अपडेट था, हालांकि इस अपडेट में ज़्यादा कुछ यहाँ पर मिला नहीं, बहुत माइनर सी चीज़ें यहाँ पर मिली, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि एंड्रॉयड 14 की हैं। बाकी यहाँ पर जो कैमरे का आइकन जरूर यहाँ पर चेंज हुआ है, हालांकि कैमरे का इंटरफेस जो ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है, इंटरफेस में किसी तरह का कोई यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और भाई कैमरे की परफॉर्मेंस का जो इस वीडियो में ज़रूर यहाँ पर पता चल जाएगा, कैमरे की परफॉर्मेंस जो यहाँ पर कैसी होगी, कैमरे की क्वालिटी जो कैसी हो गई है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। तो सो गाइस वैसे तो आपको पता होगा मोटोरोला S40 के कैमरा मॉड्यूल के बारे में, भाई फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। मोटोरोला S40 में जो 50 MP का जो मेन कैमरा यहाँ पर मिलता है, भाई 30 MP का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पर मिल जाता है। भाई जो सेल्फी कैमरा मिलता है इस फोन में वो 32 MP का यहाँ पर मिल जाता है। सो फोटो से यहाँ पर सैंपल लेते हैं फोटोज़ वीडियोज़ के, आप लोग भी हाई क्वालिटी में जो वीडियो को प्ले करके देखना, आपको पता चल जाएगा भाई कैमरे की क्वालिटी कैसी हो गई है इस अपडेट के बाद। सो भाई ये फुटेज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अल्ट्रा वाइड मोड में, जो कि फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रही है। सो वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है अल्ट्रा वाइड लेंस में मोटोरोला S40 में, जो कि हम जस्ट एरिया खड़े हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरे के एंगल को चेंज कर रहे हैं। देख सकते हैं कलर्स वगैरह डिटेल्स वगैरह जो कुछ तरह की आ रही, हालांकि अभी देखना होगा प्रोसेसिंग होने के बाद क्वालिटी चेंज होगी नहीं होगी। फिलहाल जो कुछ तरह की अल्ट्रा वाइड मोड में जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। सो गाइस ये फुटेज है 1080 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं फुल HD में। वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है, कलर्स वगैरह डिटेल्स वगैरह जो रोल को इस तरह की नज़र आ रही है, जो कि हम जस्ट एरिया खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कैमरा का एंगल चेंज करते हुए। तो वीडियो क्वालिटी कुछ इस तरह की है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। सो गाइस फिलहाल वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K, जो कि अल्ट्रा वाइड मोड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए मोटोरोला में 4K का ऑप्शन मिल जाता है अल्ट्रा वाइड मोड में भी, तो वीडियो क्वालिटी कुछ तरह की है। ऐसे में जो लाइटिंग की अगर बात करें, इवनिंग का टाइम है, लाइटिंग नहीं है, बेसिकली सनलाइट गायब हो चुकी है। ऐसे में लो लाइट में वीडियो क्वालिटी कुछ तरह की है 4K में, जो कि यहाँ पर हम अल्ट्रा वाइड मोड में रिकॉर्ड कर रहे हैं एक जगह खड़े होकर कैमरे का एंगल चेंज करते हुए। सो गाइस ये फुटेज है 4K 30 FPS पे, जो कि नॉर्मल मोड में 1x पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि एक जगह खड़े होकर हम कैमरे का एंगल चेंज करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है 4K 30 FPS में, जो कि 1x पे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। सो गाइस ये फुटेज है फुल HD में 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर हम वॉक करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे में देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की, कलर्स वगैरह डिटेल्स वगैरह ओवरऑल कुछ तरह की नज़र आ रही है, और स्टेबलाइजेशन जो कुछ तरह से वर्क कर रहा है। ऐसे में आप जो वॉक करते हुए ब्लॉगिंग वगैरह करेंगे, वीडियो बनाएंगे चलते हुए, तो वीडियो क्वालिटी कुछ ऐसी रहने वाली। सो गाइस फिलहाल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम 4K में, जो कि यहाँ पर अल्ट्रा वाइड मोड में है। बेसिकली मोटोरोला में अल्ट्रा वाइड मोड में 4K सपोर्ट करता है। तो ऐसे में वीडियो क्वालिटी कुछ तरह की है, जो कि यहाँ पर हम वॉक करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K अल्ट्रा वाइड मोड में। तो ऐसे में देख सकते हैं स्टाइलेशन जो कुछ तरह से वर्क कर रहा है, और डिटेल्स वगैरह कलर्स वगैरह जो कुछ तरह की नज़र आ रही हैं यहाँ पर। ऐसे में वॉक करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो स्टाइलेशन बेसिकली फ़ोन यहाँ पर हिल उड़ रहा है, तो स्टाइलेशन जो कुछ तरह से वर्क कर रहा है। बाकी कलर्स वगैरह डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, फास्ट फ़ोन का एंगल चेंज करते हुए, फ़ोन को घुमाते अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो भाई अल्ट्रा वाइड मोड में कुछ तरह की क्वालिटी रहती है। सो गाइस फिलहाल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम 4K में, जो कि नॉर्मल मोड में। बेसिकली मोटोरोला में जैसे कि दो मोड मिलते हैं, पर अल्ट्रा वाइड मोड में भी 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम 4K नॉर्मल मोड में 1x पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर हम वॉक करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की, कलर्स डिटेल्स वगैरह ओवरऑल सारी चीज़ें कुछ तरह की नज़र आ रही। ऐसे हम वॉक करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ़ोन हिल डुल रहा है, तो स्टेबलाइजेशन जो कुछ तरह से यहाँ पर वर्क कर रहा है। सो गाइस ये फुटेज है फ्रंट कैमरे की, तो वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की फ्रंट कैमरे में, जो कि यहाँ पर हम फुल HD में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी लाइट हल्की फुल्की, वैसे बेसिकली शाम का टाइम है इस वक्त, हल्की फुल्की पीछे से लाइट आ रही है, देख सकते हैं सूरज की लाइट जो कि रेड रेड कलर की जो इवनिंग में आती है। तो अभी बेसिकली क्या है, लो लाइट में ही ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है फुल HD में, तो वीडियो क्वालिटी कुछ तरह की। ऐसे में हम वॉक करते हुए अगर वीडियो रिकॉर्ड करें यहाँ पर, तो वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की रहने वाली है।
कलर्स वगैरह डिटेल्स वगैरह ओवरऑल किस तरह की नज़र आएगी। स्टेबलाइजेशन जो किस तरह से यहाँ पर वर्क करेगा, बाकी देख सकते हैं एंगल वगैरह कितना ज़्यादा है। हालांकि इसमें एक ही एंगल मिलता है, वाइड एंगल नहीं मिलता, नॉर्मल मोड में रिकॉर्ड कर रहे हैं फिलहाल। सो भाई फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हैं हम फ्रंट कैमरे से जो कि 4K में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेसिकली मोटोरोला में 4K का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, तो यहाँ पर 4K में वीडियो क्वालिटी कुछ तरह की है। कलर्स वगैरह डिटेल्स वगैरह जो कुछ तरह के नज़र आ रहे हैं, बाकी ऑब्जेक्ट को इस तरह से कैप्चर करता है। ऐसे में वॉक करते हुए वीडियो जब हम रिकॉर्ड करते हैं, भागते हुए या थोड़ा सा तेज़ चलते हुए, तो फ़ोन हिल डुलता है, तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन जो कुछ तरह से वर्क करता है। ऐसे में जो 4K में वीडियो क्वालिटी कुछ ऐसी है मोटोरोला S40 में सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद जो कुछ तरह की यहाँ पर जो क्वालिटी है मोटोरोला S40 की, जब हम फोटोज़ वीडियोज़ क्लिक यहाँ पर करते हैं, तो इसमें देखो क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फोटोज़ वगैरह की जब बात करते हैं, तो फोटोज़ वगैरह नो डाउट काफ़ी अच्छे आते हैं। DSLR वाली क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, चाहे डिटेल्स की बात करें चाहे कलर्स की बात करें, ओवरऑल सब कुछ यहाँ पर अच्छा है, मतलब बेसिकली ज़बरदस्त है। लेकिन वहीं जब वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं, तो अल्ट्रा वाइड एंगल में जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो क्वालिटी जो थर्ड क्वालिटी की है, एक थर्ड क्वालिटी की जो वीडियो आ रही है अल्ट्रा वाइड एंगल में, हालांकि इसमें जो 13MP का कैमरा मिलता है, जबकि नॉर्मल फ़ोन में जो कैमरे आ रहे हैं 8MP के आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल में, लेकिन 13MP का कैमरा होने के बाद वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। हालांकि जब हम वीडियो की क्वालिटी की बात करते हैं फुल HD में भी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब भी वीडियो क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस अपडेट में लग रहा है वीडियो क्वालिटी यहाँ पर बेकार जरूर है। हालांकि जब 4K में हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पर अच्छी फुटेज वगैरह देखने को मिलती है, लेकिन जब फ्रंट कैमरे से यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो काफ़ी अच्छी फुटेज आ रही है, वीडियो क्वालिटी काफ़ी सही लग रही है, डिटेल्स भी अच्छी आ रही है, कलर्स वगैरह भी अच्छे आ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें जो बैलेंस रह रही हैं, पर जब फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल और नॉर्मल मोड में यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी जो थोड़ा बेकार जरूर हो गई है। मे भी हो सकता है नए अपडेट में सॉल्व हो जाए, वैसे तो यहाँ पर इनके अपडेट भी बहुत लेट आते हैं और फीचर्स वगैरह भी कुछ खास यहाँ पर मिलते नहीं हैं। और ये अपडेट भी ऐसे अजीब सा अपडेट आया एंड्रॉइड 14 का, इसमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं और कुछ फीचर्स और यहाँ पर ज़रूर मिस हो गए। तो ऐसे में जो कैमरे की क्वालिटी कुछ ऐसी हो चुकी है भाई एंड्रॉइड 14 के अपडेट के बाद मोटोरोला S40 की, ऐसे में आप लोगों ने अगर सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका एंड्रॉइड 14 का अपडेट करने के बाद मोटोरोला S40 में, कमेंट करके जरूर बताएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दें लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।